कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा सरकार पर हमला करना जारी है। मंगलवार को भी ट्विटर के जरिए उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर संघ को घेरा और कहा कि आरएसएस के मंसूबे खतरनाक है। आरक्षण पर बहस के बहाने ये सामाजिक न्याय पर निशाना साधना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, आरएसएस का हौसला बड़ा हुआ है और मंसूबे खतरनाक है। जिस समय भाजपा सरकार एक एक करके जनपक्षधर कानूनों का गला घोट रही है, उसी समय आरएसएस ने भी लगे हाथ आरक्षण पर बहस करने की बात उठा दी है। बहस तो शब्द का बहाना है, मगर आरएसएस बीजेपी का असली निशाना सामाजिक न्याय है। लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे? आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों आरक्षण को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है। दरअसल एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर विमर्श की जरूरत है। जो इसके पक्ष में है वो अपनी राय रखे और जो विरोध करते हैं वो भी अपनी बात कहे।